हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल आपको मिल रहा है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है एके एडू सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके एडू सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम किसी भी एरे के एलिमेंट को हम इजिली चेंज कर सकते हैं या फिर हम डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैंने बताई थी। मैंने पुश और पॉप के बारे में बताया था, मैंने इंडेक्सिंग के बारे में आपको बताया था, और मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी लेंथ के बारे में कि कैसे हम उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई। दोस्तों आज मैं एक क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन मैं यहीं पर बना रहा हूँ, मैं ज़्यादा देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नाम हम कुछ कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं दिस इज जेएस एरे ट्यूटोरियल। तो दोस्तों ये मेरे पास स्ट्रिंग है। अब मेरे को इसका आउटपुट में क्या चाहिए? देखो अगर हम इनपुट की बात करें तो ये हमारा इनपुट है, ठीक है, तो ये हमारा इनपुट हो गया। अब मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? इसका आउटपुट में मैं चाहता हूँ कि आउटपुट आउटपुट में मेरे को क्या मिले, यहां से मिले मेरे को ट्यूटोरियल एरे जेएस इज दिस। तो समझ रहे हो कि यहां पे क्या हुआ कि यहां पे इसको रिवर्स किया जा रहा है, ये स्ट्रिंग को रिवर्स किया जा रहा है, और स्ट्रिंग रिवर्स कैसे हो रही है? वर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहां पे एक पूरा वर्ड ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, इस तरह से रिवर्स हो रहा है। अब देखो ये मैंने लास्ट के एग्जाम्पल में भी जब मैंने स्ट्रिंग पढ़ाया था आपको तब भी बताया था, बट वहां पे मुझे लगता है कि इजीली नहीं क्लियर हुआ, मैं इस वजह से बता रहा हूँ। और यहाँ पे हम कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट किसके बताऊंगा, यहाँ पे स्ट्रिंग के और कुछ एरे के, ठीक है। दोस्तों अभी देखो आपको मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने लेट एक स्ट्रिंग ले लिया, str आपने लिया, और उसके अंदर आपने ये प्रॉपर्टी डाल दी, ये जितनी भी इसकी असाइन कर दी है वैल्यू, देखो इस तरह से असाइन हो गई। अब आप चाहते क्या है, अगर आप कंसोल डॉट लॉग करते हैं, देखो कंसोल डॉट लॉग किया तो आपने क्या किया, यहाँ पे str को प्रिंट करा दिया। देखो str को प्रिंट कराओ, दिस इज js ट्यूटोरियल, ठीक है, एरे ट्यूटोरियल। अब इस तरह से हो गया, आप चाह रहे हो कि ये इस तरह से हो जाए, तो आप अगर चाहो तो इसको उल्टा प्रिंट करा दो। देखो आप चाहो तो इसको इस तरह से ही प्रिंट करा सकते हो। देखो आपने क्या किया, एक भाई बहुत अच्छा तकड़ा बंदा आया जिसके अंदर दिमाग ज़्यादा था, उसने इसको इस तरह से प्रिंट करा दिया। उसने कहा भैया मैंने तो ऐसे करा दिया, लो देखो हो गया मेरा, तो भाई हो तो गया यार, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शक नहीं है, हो तो गया। बट क्या ये इनफ है, ये एरे इनफ, इस तरह से मतलब ये मेथड इनफ है? क्योंकि अब तो एरे ये था, अब तो आपका स्ट्रिंग ये था, और भी हो सकता है स्ट्रिंग आपका, ठीक है। तो ये भाई एक रॉन्ग ये रॉन्ग सोल्यूशन है, इस तरह से नहीं होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको वो क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो आपका दिस है, आपका जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, इसको आप सबसे पहले एक एरे में कन्वर्ट करो, ठीक है। अब आपने ये str लिया, str डॉट इसे स्प्लाइस कर लो, ठीक है, स्प्लिट कर लो या इसे स्प्लिट कर लो, अगर आप इसे स्प्लिट करते हैं, ठीक है। स्प्लिट किया, किसके बेस पे स्प्लिट करो, इसे स्पेस के बेस पे स्प्लिट करो, ठीक है। अब यहाँ से आप कंसोल करो इसको, इसी को साथ साथ कंसोल करके चेक करते रहो। देखो ये ना मैं वो बता रहा हूँ आपको जो इंडस्ट्री में चीज़ें यूज होती हैं। दोस्तों मेरा मेन मोटिव क्या है कि मैं वो आपको बताऊँ जो इंडस्ट्री में चीज़ें यूज होती है। अब ऐसा नहीं है कि देखो नॉर्मल तो यार सभी ने पढ़ा रखा है, नॉर्मल तो यूट्यूब पे बहुत ट्यूटोरियल है, आप हमारा ही ट्यूटोरियल क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको ये चीजें पता लगी हैं कैसे वर्क हो रहा है। अब ध्यान से देखना, आपके पास जो अभी एरे आया है, ये वाला जो एरे आया है, ये जो अभी एरे आया था, देखो इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, दिस इज जेएस, ये अलग अलग एरे में कन्वर्ट हो गया। अभी ये क्या था, ये तो एक स्ट्रिंग था, अब स्ट्रिंग के सिंगल सिंगल जो वर्ड थे वो एक एरे में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, एरे में कन्वर्ट हो गए आपके, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये एरे में कन्वर्ट हुए। अब आपको यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको रिवर्स का एक फंडा आता है, देखो इसको रिवर्स कराओ, ये रिवर्स करा लिया आपने। अब ध्यान से देखो एरे का एक कॉन्सेप्ट, देखो मैंने इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट बताए कि अगर आप इसके ऊपर स्प्लिट चलाते हैं, किस पे, स्ट्रिंग के ऊपर, तो आपका एक एरे में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको समझ में आ गई चीजें, एरे में कन्वर्ट होता है। अब मेरे को एक एरे मिल गया, उस एरे में रिवर्स मेथड, अगर आप रिवर्स मेथड यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये उस एरे को रिवर्स कर देता है, एरे को रिवर्स कर देता है। कैसे रिवर्स कर देता है और मैं बताता हूँ आपको। जैसे मेरे पास एक लेट यहाँ पे एरे ले लेता हूँ मैं, ar मैंने लिया और उसके अंदर 1 2 3 4 इस तरह से है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, क्या ar डॉट रिवर्स, अगर मैंने रिवर्स किया तो देखो इसने रिटर्न क्या किया, इसने मेरे को एक एरे रिटर्न कर दिया है जो किस तरह से बैक से है।
क्या मेरे एक्चुअल एरे के अंदर चेंज हुआ। कंसोल डॉट लॉग करते हैं, एक्चुअल एरे देखते हैं, एक्चुअल एरे के अंदर चेंज हुआ तो देखो एक्चुअल एरे को ही इसने रिवर्स कर दिया। आपको चीजें समझ में आई? तो ये किस तरह का मेथड है, ये एक्चुअल डेटा पे वर्क करने वाला है, ठीक है। तो आपको चीजें ये भी समझनी है कि कौन सा एक्चुअल डेटा वर्क करता है, कौन सा नहीं करता। तो रिवर्स क्या करता है, एक्चुअल डेटा को रिवर्स कर देता है, ठीक है। दोनों की एक ही यूआरई, रिटर्न भी क्या करता है, उसी एरे को रिटर्न करता है। तो एक्चुअल एरे पे इसने चेंजेस करे, देखो दोनों चेंजेस सेम आ रहे हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से रिवर्स कर रहा है। तो जब हमको यहाँ से एरे मिला तो उसने यहाँ पे से उसको रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स तो कर दिया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू इस तरह से आ गई। देखो ध्यान से देखो, जो हम करना चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं हमने अचीव कर लिया। देखो ट्यूटोरियल पहले आ गया, एरे उसके बाद आ गया, जेएस आ गया, फिर दिस आ गया, वो सॉरी इज आ गया, फिर दिस आ गया, यही तो हम करना चाह रहे थे। बट अभी कहाँ पे, अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो ध्यान से देखो। अभी ये वैल्यू किस तरह से है मेरी, ये वैल्यू मेरी एरे में पड़ी हुई है। ये वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है, एरे में पड़ी हुई है। अब मैं इस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, कॉपी करो, एक मेरे पास एरे है दैट मैंने ए आर बनाया और इसके अंदर वैल्यू क्या है मेरी, ये इस एरे को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं कैसे करूंगा, अब देखो कंसोल डॉट लॉग मैंने किया, तो जो मेरा एरे है, एरे डॉट जॉइन, ओके जॉइन, यार क्या हो रहा है, मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन मैंने इस तरह से कर दिया, मेरा आंसर क्या आ गया। देखो ध्यान से देखो, दिस इज जेएस, ठीक है, एरे ट्यूटोरियल, मेरा इस तरह से ज्वाइन आ गया। ध्यान से देखो, ये मेरा इस तरह से ज्वाइन होकर आ गया। अब ज्वाइन के अंदर हम क्या पास करते हैं, अगर मैंने इस तरह से पास कर दिया तो देखो दिस इज आ गया, अगर मैंने यहाँ पे इसको सेपरेटर कर दिया तो देखो इस तरह से आ गया। ये ज्वाइन करता है इसी के बेसिस पे, ठीक है, जो इसका सेपरेटर है, जो इसका ये वाला सेपरेटर है उसके बेस पे, जो एरे का सेपरेटर है, एरे के अंदर सेपरेटर है ये वाला, इसके बेस पे ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो ज्वाइन वाला मेथड, देखो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्या करें इसके अंदर, अब यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से सीधा हम क्या लगाएंगे, ज्वाइन, ज्वाइन हमने लगाया और इस तरह से। अभी देखो चेंजेस क्या है, ये इस तरह से आए हैं। अभी इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यार ये मेरा जो है इसमें डॉट आ रहे हैं इस तरह से, ये मेरे सेपरेटर आ रहे हैं, इसको कैसे रिमूव करें, ठीक हो, इसको देखो कैसे रिमूव करेंगे। अब मैंने यहाँ स्पेस दे दिया, इसको किस तरह से रिमूव करेंगे कि जो हमारा ये किस, जो हमारा सेपरेटर होता है ना, ये उस पर वर्क करता है कि जहां पे ये सेपरेटर मिले वहां से इसको अलग हटा के, इसको अलग हटा दे और इसकी जगह पे वो रिप्लेस कर दे जो हमने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया। तो यहाँ से यहाँ पे जो इस ऐसे ही काम चल रहा था वो कैसे चल रहा था, वो क्योंकि ऑलरेडी इसमें स्पेस पड़ा हुआ था। चलो उस चीज को छोड़ो आप, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अभी देखो ध्यान से, आपने दो तीन चीजें देखी, पहले तो आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, दूसरा आपने देखा कि एक एरे, सॉरी एक स्ट्रिंग के ऊपर अगर आप स्प्लिट यूज करते हैं और उसको इस तरह से करते हैं तो कैसे काम होगा, तो इस तरह से काम होगा। उसके बाद रिवर्स, जो आपका एरे मिलेगा उस पर रिवर्स अगर करेंगे तो वो एक्चुअल एरे में चेंज कर देगा और रिवर्स कर देगा। और जो आपका एरे है, अगर एरे से स्ट्रिंग में जाना है तो क्या यूज करेंगे, ज्वाइन यूज करेंगे। तो आपने तीन चार चीजें यहाँ पे देख ली, तीन चार चीजें आपने अच्छे से यहाँ पे देखी है, ठीक है। अब देखो आपके पास कोई एरे है, मान लो मैं इसी एरे को ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यही एरे ले लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर एरे में क्या, एरे के अंदर भी स्प्लिट मेथड होता है? देखो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, चीजें मैंने आपको बता दी है, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई है तो रिपीट करके देख लो, क्लियर हो जाएंगी, मैं पक्का कह सकता हूँ 110%। मैं वो कराऊंगा जो आपको सबसे ज्यादा यूजफुल हो, जो इंडस्ट्री में जाकर आप याद करो कि अंकित भैया ने कुछ कराया तो था। एक एरे सॉल्यूशन बेस्ट है, अगर आप किसी को प्रीफर भी करोगे तो 110% इसी को प्रीफर करोगे, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम वो चीजें पढ़ा रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज आएंगी, ठीक है, जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेगा। तो देखो अगर मैं एरे करता हूँ डॉट स्प्लिट करता हूँ इसमें, तो स्प्लिट में इसका आ रहा है कि क्या, इस पे यहाँ पे स्प्लिट आ रहा है, स्प्लिट नहीं आ रहा, बट स्प्लाइस आ रहा है। देखो स्प्लाइस आ रहा है, अब मैं आपको स्प्लाइस बताता हूँ ये क्या होता है। स्प्लाइस को जब हम लेके चले, इसके अंदर तीन चीजें इसने बोली है कि पहले में तो नंबर, डिलीट काउंट और अनडिफाइंड यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, नंबर, डिलीट काउंट और नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखो तो इनको कैसे करेंगे, ये नंबर दिया है इन्होंने, है ना, उसके बाद डिलीट काउंट दिया है, उसके बाद यहाँ पे अनडिफाइंड। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, डिलीट काउंट मैंने 2 दे दिया, ठीक है, एंड उसकी जगह मेरे को क्या देना है, जैसे मैंने यहाँ पे अंकित दे दिया, एंड उसके बाद दूसरा मैंने यहाँ पे कुछ और दे दिया, यहाँ पे जैसे मैं अंकित के साथ साथ फिलहाल के लिए अभी चलो इतना लेके चलते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ किसको, एरे को, जो मेरा ए आर है उसको। भाई मेरे पास वैल्यू क्या आई है, ध्यान से देखो, मैंने 2 लिखा, पहले काउंट में 2 लिखा था, दूसरे पे 2 लिखा था, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, मेरे को एरे में क्या मिला, ट्यूटोरियल एरे दिस, ट्यूटोरियल एरे और दिस। अभी ध्यान से देखो पहले वाला क्या बोल रहा है, पहले वाला बोल रहा है किस नंबर से स्टार्ट करना है भैया, किस नंबर से स्टार्ट करना है, वो बोल रहा है भैया यहाँ से स्टार्ट करना है आपको 2 नंबर से। तो इसकी इंडेक्सिंग 0, इसकी इंडेक्सिंग 1, 2 किसकी है, इसकी।
तो जेएस से स्टार्ट करो, और कितने एलिमेंट आपको डिलीट करने हैं, दो एलिमेंट डिलीट करने हैं, तो जेएस को और दिस को डिलीट कर दो। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं भैया, इसीलिए तो बैठा हूँ समझाने के लिए। देखो दोबारा, स्प्लिट का पहला जो एग्जाम, पहला जो आर्गुमेंट है वो क्या बोलता है, पहला आर्गुमेंट कहता है कि मुझे वो इंडेक्स बताओ जहां से मेरे को डिलीट करना है, जहां से मेरे को डिलीट करना है। तो उसने कहा भैया आप ना 2 नंबर के इंडेक्सिंग से डिलीट कर दो। तो तुमने यहां से डिलीट करना शुरू करा, इंडेक्सिंग 0 और 1, और उसके बाद 2, 2 से डिलीट करना शुरू। और कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं भैया, उसने कहा 2 एलिमेंट डिलीट करने हैं। तो उसने कहा ठीक है भैया 2 एलिमेंट डिलीट कर दूंगा, तो इसने ये दोनों एलिमेंट डिलीट कर। तो अब एक चीज और देखो, यहाँ पे आप लेट लिखो और यहाँ पे लिखो स्प्लाइस रिटर्न, ठीक है। स्प्लाइस ने रिटर्न करा, आप कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग करो, और यहाँ पे स्प्लाइस रिटर्न में क्या आया, तो देखो स्प्लाइस रिटर्न के अंदर आपको एक एरे मिलेगा, और वो कैसा एरे मिलेगा, वो वाला एरे मिलेगा आपको जिस जो एलिमेंट डिलीट हुए हैं उसके अंदर वो एलिमेंट मिलेंगे जो डिलीट हुए हैं। तो ध्यान से देखो, ये दोनों एलिमेंट जो डिलीट हुए, तो ये वाले यहाँ पे इसको रिटर्न में इसने ये दे दिए। आपको रिटर्न भी ध्यान से देखना है कि स्प्लाइस क्या रिटर्न करता है, जो एलिमेंट डिलीट करता है एक एरे रिटर्न करता है उसका, ठीक है। तो रिटर्न से ये मिल गया और न्यू एरे हमारा ये। अब स्प्लाइस कहाँ कैसे वर्क करता है, ये किस तरह से वर्क करता है, ये एक्चुअल एरे पे काम करता है, क्योंकि एक्चुअल एरे के अंदर ही चेंजेस करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और आती है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं अंकित, तो देखो क्या होता है। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे इसने अंकित यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ से इसने अंकित रिप्लेस कर दिया पहले वाले को, ठीक है। अंकित यहाँ से रिप्लेस कर दिया। अब मैं अगर इसके अंदर एक और लिख देता हूँ यहाँ पे अंकित कुमार, तो अब देखें क्या होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखना कि पहला तो ये यार ये थोड़ा सा मिल जाता तो अच्छा लगता है। पहले में ट्यूटोरियल आया, दूसरे में एरे आया, तीसरे में अंकित आया, और आगे आ गया कुमार, अंकित कुमार। अब मान लो मैं कह रहा हूँ कि एलिमेंट मुझे 3 डिलीट करने थे, यहाँ पे क्या हो गया, मान लो मैं कह रहा हूँ कि एलिमेंट तेरे को 3 डिलीट करने थे, तो इसने 3 डिलीट करे, यहाँ तो 3 आ गए, रिटर्न तो उसने 3 कर दिए जो डिलीट करे। अब ट्यूटोरियल एरे अंकित और उसके बाद कुमार, और उसके बाद ये दिस चला गया, मगर इसको रिप्लेस में कुछ चीज नहीं दी है। तो मान लो मैंने यहाँ पे रिप्लेस में एक चीज और दे दी, यहाँ पे मैंने 8 9 के इसको 8 9 कर दो भैया, तो इसने 8 9 कर दिया। अब ध्यान से कुछ समझ में आई आपको चीज, कि पहला एलिमेंट क्या बोलता है, पहला आर्गूमेंट क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई किस इंडेक्स से स्टार्टिंग करनी है मेरे को डिलीट करने के लिए। देखो अगर मान लो इसे 0 कर दूं, कि 0 से स्टार्ट करो आप, तो 0 से ही करेगा। देखो अंकित आया पहले पे, उसके बाद कुमार 89 आ गया, उसके बाद इस दिस जो बचे हुए हैं आपके, ये दोनों आ गए, और इन दोनों का एक एरे उसने रिटर्न करा, सॉरी तीनों का, इन तीनों का एरे रिटर्न करा, और उसने कहा भैया ये मैंने डिलीट कर दिए, पकड़ो डिलीट करा हुआ मलवा, ये पकड़ो अपने पास लेके जाओ उसको कहीं, तो ये उसने रिटर्न कर दिया। तो पहला एलिमेंट क्या बोलता है कि किस इंडेक्सिंग से स्टार्ट करना है, इंक्लूडिंग वो इंडेक्सिंग जो दोगे वहीं से स्टार्ट करेगा वो उसी से, ठीक है। दूसरा वो बोलता है कितने डिलीट करने हैं, वो कहने लगा कि भैया मेरे को 2 ही डिलीट करने हैं। तो देखो 2 डिलीट हो गए। अब ध्यान से देखना आपने कितनी वैल्यू दी है, तो अगर आपने 2 डिलीट करने थे, देखो 2 तो आपने डिलीट करने कर दिए, अब ये वाली वैल्यू उसके अंदर पूछ हो जाएगी, ये किस सिक्वेंस में होगी, जो डिलीट हुआ होगा उसमें ये, उसके बाद ये तीसरे नंबर पर ये हो जाएगी। देखो अंकित कुमार और 89 पूछ हो गई है, उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो उसके बाद आए हैं, रिमेनिंग बाद में आए हैं, समझ में आ गई। इस तरह से होता है, आप यहाँ पे जितने भी देना चाहो दे दो। देखो मैंने कुमार दे दिया, खाली कुमार तक तो इस तरह से आ गए हैं, बट अगर मैंने और भी कुछ दे दिया तो वो इस वहां पे रिप्लेस हो जाएगा, वहीं से उसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। काउंटिंग कहाँ से, 0 से 2 एलिमेंट डिलीट होंगे, तो 0 पे ये आ जाएगा, 1 पे ये आ जाएगा, उसके बाद 2 पे दूसरा एलिमेंट आएगा, उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट जो बचे हुए हैं ये वाले वो ऐड होंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, एलिमेंट हम यहाँ पे देते हैं। अगर मैं इसको एलिमेंट को एरे में दे दूँ, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एरे में दे दूँ तो मेरे पास क्या चेंजेस होंगे भैया, तो एरे के अंदर दिया, तो देखो इसने क्या करा, 0 एलिमेंट पे एरे रिटर्न कर दिया। कुछ कुछ जो स्टूडेंट होते हैं उनका ये क्वेश्चन होता है कि भैया क्या हम एरे में भी दे सकते हैं वैल्यू, तो देखो यहाँ पे अगर आप एरे दोगे ना तो वो एरे उसके अंदर एलिमेंट ऐड हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, 0 इंडेक्स पे एक एरे है अलग, 0 इंडेक्स पे एक अलग एरे है, उसके अंदर 2 वैल्यू है, इस वजह से हम इसको एरे में वैल्यू नहीं दे सकते। समझ में आ गई है? तो दोस्तों आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये बहुत ज्यादा यूज करते हो स्प्लाइस का, तो बहुत ज्यादा यूज करते हो, और आगे बताऊंगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, इसमें सब चीजें बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी, और हो सकता है कि एरे के एक दो लेक्चर और आए, उसके बाद सीधा हम ऑब्जेक्ट की तरफ जंप करेंगे, एंड हम फिर लूप वगैरह ही पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें बची हुई है जो हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं अच्छे से लेक्चर अपलोड करता रहूंगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से लेक्चर अपलोड करूँ तो प्लीज आपको सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करनी है वीडियो, जितनी शेयर करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा आपको भी हमको भी, और दोस्तों लाइक करना है वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।